अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो मैं ना क्यों ना आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, कीमे का बोला था लेकिन आज मंगल है, मैं तो भूल ही गई थी, तो कीमा नहीं मिला तो चिकन मंगाना पड़ा। तो मैं ना क्यों ना आपके साथ चिकन शेयर कर लेती हूँ। ब्लॉक आज का, और बर्तन गंदे हैं, धोने हैं, बस इतना ही काम है और बाकी का शेयर करती हूँ, और भी काम आगे के, तो आप हमारे साथ रहना, ठीक है? ओके। तो हम देख सकते हैं, मैं चिकन धो लिया अच्छी तरह। लेकिन आप ज़रा शेयर कर लेते हैं, मैंने चिकन धो लिया, पकाऊंगी, लेट आ जा, फिर आप ज़रा शेयर करते हैं, ठीक है? तो गाइस, मैंने क्यों ना आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, मैं चिकन बनाने लगी हूँ। लाइट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन मैंने फिर बना लेती हूँ। ये टमाटर काटे हुए हैं, देख सकते हैं, और ये प्याज है। मैंने आपके साथ एक एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ। ये चिकन धो लिया था मैंने अच्छी तरह, इसमें ऑयल डालूँगी, चूल्हा जला दिया मैंने, अदरक लहसुन हरी मिर्च ऐड करूँगी। अब मैं ऑयल ऐड करने लगी हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अदरक लहसुन मैं भी ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्ची ऐड करनी है मैंने। मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त, नमक थोड़ा सा ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें पैकेट में होता है नमक, ठीक है? मसाले भी थोड़े थोड़े ऐड करूँगी, बस मैं आपके यहाँ शेयर ही कर लेती हूँ मसाले, मैं हल्के आँच पे छोड़ देती हूँ। तो मसाला जो है मैं भी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ी सी हल्दी लूँगी बस, ये डाल दिए मैंने हल्दी, मिर्ची भी थोड़ी सी क्योंकि पैकेट में होती है। पिसा धनिया, हमने ये चीज़ ऐड करनी है, कटी मिर्चें, मसाले मैंने ऐड करे, कुटी मिर्चे, पिसा धनिया, पिसी मिर्चे, हल्दी और नमक का फिर हमने ऐड कर लिया था मैंने। हमें पोछे का वो करूँगी फ्राई, जिसमें मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ चिकन का ब्लॉग, क्योंकि मैंने बनाया था कीमा, लेकिन आज मुझे नहीं पता था कि आज मंगल है, मंगल को कीमा नहीं मिलता, तो इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, चिकन बना लेती हूँ, घर वालों के लिए बना रही हूँ। लेकिन घर वाले घूमने गए हैं, घूम के आएंगे तो थके भी होंगे, थके भी होंगे तो खाना तो नहीं पका सकते। लेकिन पापा ने कहा था मैं होटल से भी आऊँगा, लेकिन मैंने कि हम जब एक घर है तो मैं शेयर कर लेती हूँ, बना लेती हूँ उनके लिए। चाहू क्या, मैं भी जाती घूमने, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और बनाया सर्दी में, मैं इसलिए लेके नहीं गई इसको इसलिए। लेकिन अब वो आ चुके हैं, घूमने गए हुए थे, अगर बनाया कोई मैंने वहीं भेजा है, तो मैं खाना तैयार कर लूँ शाम का उनका। तो अच्छी तरह हम इसमें देखें, मिर्चें हो गई हैं, अब इसमें ऐड करती हूँ चिकन, आपको एक बार बता दो चिकन फ्राई करके वापस निकाल लूँगी प्लेट में, ठीक है? फिर मुझे टमाटर और प्याज फ्राई करने, नए तरीके से बना दिए मैं, प्याज फ्राई कर लेती हूँ, बहुत अच्छा रहेगा।
हाँ सोच रही हूँ सही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं घर से ब्लॉग बना रही हूँ आप सबके लिए, तो इसलिए क्योंकि कोई दूसरा बंदा होता है तो मदद हो जाती है थोड़ी सी। और मैं रख के मोबाइल वीडियो बनानी थी, लेकिन ना कोई रखने की सेटिंग नहीं है कि कैसे रखूँगी मैं बेटर वाला, तो इसलिए मैंने आप शेयर कर लेती हूँ ब्लॉग। आप इंतजार करें, आप भी दिखाते हैं। अच्छा आप लोग शेयर तो कर ही लिया मैंने काम, लेकिन मैं फिर दिखा देंगे आपके पास शेयर कर। तो गाइस आप देख सकते हैं चिकन फ्राई हो गया अच्छी तरह, लेकिन आप ये भी शेयर कर लेती हूँ कि चिकन को मैंने निकाल दिया फ्राई करके डिश में। और आप देख सकते हैं अब मैं इसमें प्याज एड करने लगी हूँ। प्याज मैंने ऐड कर दिए, मैं आगे का एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप देखें अच्छी तरह। मैं और दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, फिर टमाटर ऐड करूँगी इसमें, ये मसाले ऐड करूँगी और चिकन भी बाद में ऐड करूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी प्याज अच्छी तरह हो गई है, जैसे भिंडी में करते हैं हम। तो मैं आप शेयर कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर, मैं ऐड करने लगी टमाटर। ऐड करने लगी मसाले, कुटी मिर्चें, पिसा धनिया, पिसी मिर्च, हल्दी, कढ़ाई का बाद में डालेंगे। और अब ये चिकन भी बाद में ऐड करूँगी, जब टमाटर थोड़े से हो जाएंगी भुनाई करके टमाटरों की, फिर मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी, फिर मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं जो आलू आपके साथ शेयर किए थे मैंने, तो इसके बनाए कबाब, इसमें हमने डाली है मैक्रोनी और क्या कहते हैं अलग से डाली, वो अलग से बनाई थी, अलग से डाली इसमें मैक्रोनी और हरी मिर्चें, हरा धनिया और कुटी मिर्चें और चाइनीस नमक बस, और किसी थोड़ी सी मिर्चें, ठीक है। और अब ये चिकन फ्राई करके इसमें मैं अदरक लहसुन में फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी।